सो हे गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। जैसे कि फाइनली बिहार पुलिस की तरफ से फाइनल नोटिस जारी कर दिया गया है, जो कि 25 तारीख से आप लोग का ऑनलाइन अप्लाई डेट स्टार्ट हो जाएगा। तो आज हम बताएंगे कि इसमें कौन कौन स्टूडेंट भाग ले सकते हैं। जो भी स्टूडेंट अगर बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं या फॉर्म भरने वाले हैं, इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको तो सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं कि इसमें कौन कौन सा स्टूडेंट भर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं बता दूँ, अगर स्टूडेंट अगर आप 10+2 अगर पास है 12th, अगर आप आर्ट किए हो या साइंस या कॉमर्स, किसी भी फैकल्टी से अगर आप 12th पास है, तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज हम बात करते हैं। इसमें हाइट को लेकर बहुत सारे स्टूडेंट घबराए हुए रहते हैं कि मेरा हाइट कम हो जाता है तो मेरा कैसे होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज यहाँ पे देखिए, फाइनल नोटिस में जारी किया गया है, कैटेगरी वाइज दिया गया है। अगर BC1 कैटेगरी से अगर आप मेल में आते हैं, लड़का जो भी BC1 कैटेगरी में आते हैं, लड़का के लिए मैं बता रहा हूँ, अभी BC1 के लिए जो भी आ रहा है उसको 165 सेंटीमीटर चाहिए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद EBC मतलब अत्यंत पिछड़ा वाले जो भी है उसको 160 सेंटीमीटर चाहिए। ठीक है, और चेस्ट की बात की जाए तो दोस्तों 81 अगर नॉर्मली चाहिए। ठीक है दोस्तों, अगर 80 भी है तो आपको चलेगा। ठीक है दोस्तों, लगभग में आपको 80+ ही होगा तो और भी बेटर रहेगा। ठीक है दोस्तों, और आपको वैसे भी आर्मी हो या बिहार पुलिस हो, चेस्ट को फुला करके हमेशा 5 सेंटीमीटर ज़्यादा लेता है। ठीक है दोस्तों, और फीमेल मतलब लड़की के लिए जो भी है, जितना भी लड़की आते हैं, कोई भी कास्ट हो, मतलब SC हो या EBC हो या अत्यंत पिछड़ा, जो भी कास्ट का अगर लड़की आते हैं, उन सब के लिए 155 सेंटीमीटर रखा गया हाइट। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद SC ST मेल के लिए जो है 160 सेंटीमीटर रखा गया। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे देखिए ऑल फीमेल के लिए जो है चेस्ट के जो है वो अभी नील दिखा रहा है। ठीक है दोस्तों, चेस्ट अभी दोस्तों फी के लेकर के जो है ना बहुत सारे कन्फ्यूजन रहता है स्टूडेंट को कि कितना फी लगेगा। दोस्तों आज बता देते हैं कि जितने भी अत्यंत पिछड़ा या OBC में आते हैं, BC1 BC2 वाले, उस सब के लिए 675 रुपया रखा गया है। ठीक है, और SC ST ऑल फीमेल के जितने भी हैं उसको 180 रुपया रखा गया है। और आपको दोस्तों सबसे मेन कन्फ्यूजन आता है इसमें एज को लेकर के। ठीक है दोस्तों, तो आज हम बताएंगे एज इसमें किस तरह से रखा गया है। ठीक है दोस्तों, तो आपका एज जो हम बताएंगे दोस्तों, एक उसके बाद 2022 तक काउंट रखा गया। दोस्तों अगर जिस भी स्टूडेंट का 1 जनवरी 2022 तक में अगर आपका 18 साल हो गया है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि 1.5 किलोमीटर आपको 6 मिनट में पूरा करना है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद गोला जो फेंक होता है वो आपको 3 चांस मिलेगा। ठीक है दोस्तों, वो जो है ना 16 फीट आपको फेंकना ही पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हाई जंप का बात कर ली जाए तो दोस्तों मिनिमम 4 फीट अगर आपको 3 चांस दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर 3 चांस में अगर आप 4 फीट अगर जंप कर लेते हैं तो आप सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद फीमेल का देख लेते हैं दोस्तों, 1 किलोमीटर रेस कंप्लीट विद इन 5 मिनट। लड़कियों के लिए जो है दोस्तों हर चीज़ में छूट रहता है। ठीक है दोस्तों, लड़की 1 किलोमीटर लगाएंगे वो भी आपको 5 मिनट का दिया जाएगा दोस्तों। ठीक है, उसके बाद गोला देख लीजिए, गोला जो आपको है लड़की के लिए वो कम से कम 12 फीट फेंकना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, इस लड़की को भी 3 चांस दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, गोला फेंकने के लिए, चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों। दोस्तों आप देख लेते हैं जो भी मेल और फीमेल है, अगर आप गोला जो फेंकते हैं उसमें कितना नंबर मिलता है, कितने फीट पर अगर फेंकने पर कितना नंबर मिलता है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए साफ साफ दिया गया है ऑफिशियल, 12 फीट आपको, अगर आप 12 फीट फेंकते हैं दोस्तों, तो 12 फीट अगर फेंक लेते तो आपको 12 से 13 फीट में आपको 9 अंक मिल सकता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखिए अगर आप 13 से 14 फुट फेंक लेते हैं तो आपको 13 अंक मिल सकता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद 14 से 15 फीट अगर फेंकते हैं तो आपको 17 अंक मिल सकता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद 15 से 16 फीट अगर फेंकते हैं तो आपको 21 अंक मिल सकता है। उसके बाद 16 से ज़्यादा अगर जितना भी देखिए 16 दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए कि जो भी गोला फेंकते हैं उसमें 25 नंबर मिलता है। ठीक है दोस्तों, अगर 1 नंबर जैसे यहाँ पर देखिए 16 में 16 अगर जो भी स्टूडेंट फेंक लेते हैं उसको 25 अंक मिलता है। ठीक है दोस्तों, और उससे कम जितना भी होता है वो फीमेल के लिए है। ये हो गया आपका फीमेल के लिए, चलिए आप दिखाते हैं मेल के लिए क्या है कैटेगरी। यहाँ पे 4 फीट अगर जंप कर लेते हैं दोस्तों मेल के लिए तो आपको 13 अंक मिल देगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद 4 फीट अगर 4 इंच जंप कर लेते हैं तो 17 अंक मिल सकता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे 4 फीट 8 इंच अगर जंप करते हैं तो 21 नंबर मिल सकता है। दोस्तों अगर आप 5 फीट जंप कर लेते हैं तो आपको 25 में 25 अंक मिलता है। बहुत ही बढ़िया आप कर, ये जो है फॉर्म आपको 9000 से लेकर के 10000 के बीच रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, और बहुत सारे पेपर में आपको बताया गया होगा कि 40000+ फॉर्म निकलेगा। दोस्तों आप ये मत सोचिए कि 40000 निकलेगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि 40000 अगर फॉर्म निकलते हैं तो ये 70 साल में भी पूरा नहीं हो पाए।